गाइस रेडमी नोट 11 सीरीज का इंडिया लॉन्च डेट एंड इंडिया प्राइस को लेके आप लोगों का काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहा है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रेडमी नोट 11 सीरीज को लेके, स्पेशली रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस को लेके। एंड पर्सनली बताऊँ तो मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रेडमी नोट 11 सीरीज के रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस को लेके। सो गाइस रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स स्मार्टफोन का कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात इंडिया लॉन्च डेट एंड इंडियन प्राइस को लेके काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने है जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। सो गाइस जो स्मार्टफोन यूजर स्पेशली बजट स्मार्टफोन यूजर रेडमी नोट 11 सीरीज स्पेशली रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हो कि स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ फीचर्स हम लोगों को मिलने वाला है, क्या होगा स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन, कब तक इंडिया में लॉन्च करने वाले, कितने प्राइस के अंदर लॉन्च होगा, सब कुछ अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड एक कमेंट कर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। गाइस सबसे पहले आप लोगों को बता दूं रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स जो डिवाइस होगा बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के अंदर एक फ्लैगशिप जैसे फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है। लाइक स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा सब कुछ प्रीमियम मिलने वाला है बजट प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे रेडमी नोट 11 सीरीज कंप्लीट एक 5G स्मार्टफोन सीरीज होगा जो यहाँ पे रेडमी नोट 10 सीरीज से अपग्रेड होगा। लेटेस्ट प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 778G यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, काफ़ी सारे वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड भी हो चुका है। स्नैपड्रैगन 778G का आएगा यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स स्मार्टफोन जो स्पेशली बजट प्राइस के अंदर गेमिंग प्रोसेसर होने वाला है। काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस पॉइंट है, काफ़ी सारे हाई ग्राफिक्स गेम प्ले बहुत ही स्मूथ तरीके से आप खेल पाओगे। जो रेडमी यूज़र बजट प्राइस के अंदर गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस काफ़ी अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ आपको डुअल 5G सपोर्ट भी मिलने वाला है, कंप्लीट 5G डिवाइस होगा। वेरिएंट मिलेगा यहाँ पे 6GB 128GB एंड 8GB 128GB का आपको वेरिएंट मिल जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइन देख पाएंगे, बैक साइड ग्लास बैक ग्रीन कलर होगा जहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे लेट्स गो डिजिटल की तरफ से यहाँ पे जो डिज़ाइन निकल के सामने आया बैक साइड आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड आपको गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। मेन कैमरा जो सेंसर का बैक साइड में आपको 108 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप हो सकता है एंड 200 मेगापिक्सल कैमरा भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरास को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है तो मैं यहाँ पे कन्फर्म नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप मान के चलो कि 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप विथ OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज सेंसर सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे आप काफ़ी स्मूथ तरीके से 4K वीडियो शूट कर पाओगे। बाकी जो 3 सेंसर वही पुराना वाला आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस दिया जाएगा। फ्रंट साइड देख पाएंगे थोड़ा यहाँ पे लार्ज डिस्प्ले इस बार 6.7 इंच का होगा जो सुपर एमोलेड पैनल के साथ आने वाला है। डिस्प्ले जो प्रीमियम होगा यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी मिल सकता है एंड यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश का स्मूथ एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे टच रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ होने वाला है, मक्खन की तरफ चलने वाला है, स्पेशली गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा टच एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो डिस्प्ले के अंदर आपको सिंगल सेल्फी कैमरा होगा जो 5 के साथ आने वाला है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है डिस्प्ले के अंदर सेल्फी कैमरा। यहाँ पे बैटरीज को लेकर कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आया, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग 5500 या फिर इस बार थोड़ा बिगर बैटरी जो लीक सामने आ रहा है कि 6000 एमएच का बिगर बैटरी आपको मिल सकता है विद यहाँ पे 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग काफ़ी प्रीमियम होने वाला है इस बार बजट प्राइस के अंदर रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस के अंदर। काफ़ी सारे जो फीचर्स यही आपको मिलेगा IR ब्लास्टर USB टाइप सी के साथ यहाँ पे एंड उसी के साथ MIUI 12 का 0.5 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है जो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होगा, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी प्रीमियम होने वाला है। गाइस रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस को लेके यहाँ पे जितना भी मैं बताया सब कुछ लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग अभी तक Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात लॉन्च एंड प्राइस को लेके, तो यहाँ पे 99% जो कन्फर्म न्यूज़ सामने आ रहा है नवंबर की एंड तक या फिर दिसंबर में स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा एंड स्मार्टफोन का प्राइस रखा जाएगा अंडर 20,000। जी दोस्तों, अंडर 20,000 एक बेस्ट फीचर स्मार्टफोन होने वाला है रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस। तो इस वीडियो के अंदर रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स डिवाइस के बारे में इतना है गाइस। वीडियो को देने वाला शुक्रिया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सही पिन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हो वीडियो को पहली बार देखो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।